नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद के डिलारी ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान संघ की किसान गोष्ठी का आयोजन। आज मुरादाबाद जनपद के डिलारी विकासखंड में ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान संघ का किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने पहुंचकर जैविक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज जनपद मुरादाबाद के डिलारी ब्लॉक में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को जैविक खेती अपनाने व जैविक खेती के फायदे के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई तथा देसी गाय पालने के लिए प्रेरित किया गया। वक्ताओं ने देसी गाय की खूबियां बताई और कहा कि देसी गाय पालना आज हर किसान की जरूरत है, जैविक खेती की ओर बढ़ना आज समय की मांग है। अगर जैविक खेती को नहीं अपनाया गया तो आने वाले समय में भूमि अपनी उत्पादकता क्षमता खो बैठेगी। गोष्ठी का आयोजन भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष तेजभान सिंह राघव की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक अनिल जी, प्रांत संचालक ओम प्रकाश शास्त्री, प्रांत संगठन मंत्री सुनील जी, प्रांत प्रचार प्रमुख वतन जी तथा भारतीय किसान संघ के प्रांत मंत्री जितेंद्र चौधरी, विभाग संगठन मंत्री रमेश चंद्र जी, प्रांत जैविक प्रमुख जुग्नेश राघव, जिला मंत्री शिवराज सिंह राठी, जिला प्रचार प्रमुख पवन कोहली, जिला गन्ना प्रमुख ऋषि पाल सिंह, डिलारी ब्लॉक अध्यक्ष ओमवीर सिंह, कोषाध्यक्ष हेमचंद सिंह, अमन सक्सेना, कमल प्रजापति, हरकिशोर, नरेश राघव आदि बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। खेती के लिए 16 तत्व चाहिए। हमारी गाय माता के जो देसी गाय है, जिसको गाय कहते हैं, उसके मूत्र में 20 मिनरल पाए जाते हैं। हमारी खेती को चाहिए कुल 16 तत्व। दूसरी चीज, उनका जो दूध है वो माटी समतुल्य है, मतलब वो हमारी धरती माता की भी पोषण करती है और हमारे बच्चों का भी माटी तरह पोषण करती है, इसलिए उसको माता दर्जा दिया गया है। गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया मिले। अभी हमारा जो भी गोबर इकट्ठा हो रहा है, हमें कूड़ी के रूप में उसे ढेर लगा के इकट्ठा करते चले जाते हैं। जब ऐसा खाद उसे उठाते हैं तो ऊपर से 1 फीट गोबर ही हमें वो खाद के रूप में मिलता है। उसके नीचे जैसा गोबर हम डालते हैं वो सेम वैसा ही निकलता है। क्या उसमें जब आप खड़े होते हो तो क्या उसकी गर्मी की वजह से आप खड़े हो पाते हो? नहीं हो पाते। कितनी उसमें गर्मी होती है? एक देसी गाय से आप 50 बीघा जमीन की खेती कर सकते हैं। क्योंकि अभी पूर्व वक्ता ने भैया ने बताया कि देसी गाय के पूरे से गोबर में करोड़ों बैक्टीरिया होता है, जो हमारी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ज्यादा सहयोगी है। ये जो बीता है उसका हमने अनुभव किया। आप देखिए कि जो जन सामान्य समाज है, जब पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचने लगा, तमाम उद्योग, रेल, बस, यातायात, वाहन, प्लेन सब बंद हो गया, सारे कारोबार, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, छोटी बड़ी सब बंद हो गए, तो व्यक्ति को जीने के लिए कुछ ना कुछ जीविका तो चाहिए, उसके लिए न्यूनतम कहते हैं भोजन तो चाहिए। और ठीक है, किसान वर्ग के पास अपने साधन है, वो कर सकता है, अपनी जीविका है उसके पास, वो बिना किसी दूसरे के निर्भर रहे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, उसके पास खाद्य पदार्थ है। लेकिन जो वास्तव में किसान का तो इतना बड़ा महत्व है कि जब देश पर कोई संकट भी खड़ा होता है तो कितनी सहजता के साथ में सारे खेती के काम करते करते और जो लाखों करोड़ों लोग बेघर हो गए, बेसहारा हो गए, बेरोजगार हो गए, उनको भी रोजगार देकर उनकी भी जीविका, उनका भी भरण पोषण चल जाए, कि किसान वर्ग ने संभाला देश के अंदर। क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश ही कहा जाता है, हम सब उसका अनुभव भी करते हैं। तो किसानों ने किस प्रकार सहसा लोगों को संभाला और संभाल कर उनका संरक्षण किया, तो 2 वर्ष हमने खूब अनुभव किया है। तो किसान खेती करना, खेती के विषय को समझना, खेती के प्रति गर्व और गौरव का अनुभव करना, ये कोई गलत बात नहीं है, ये बड़ा स्वाभिमान की बात है। और समय जो हमारा शुरू हुआ था 12 बजे, थोड़ा लेट हुआ, इसलिए ज्यादा बात करती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद यहाँ तक आए और आपने अपनी बात रखी और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत धन्यवाद।